जी सर, आज के प्रोटेस्ट के बारे में बताइए सर। मैं कैप्टन जुगवीर सिंह का प्रेजिडेंट पीओजेके रिक्रूटमेंट। आज हमने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। वजह है कि दो साल से पैसा बांटने की प्रक्रिया चल रही थी जो बहुत ढीली है, बहुत कमज़ोर है। लोग इंतज़ार में बैठे हैं, फाइलें पास नहीं हो रही हैं, फाइलों के ऊपर कई किस्म के ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये सिलसिला जो है सिर्फ एक डिले करने का एक तरीका बनाया हुआ है। कब कब तक चलेगा ये? तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नर साहब जो ध्यान दें, इस प्रक्रिया को सिंपल बनाएं और अपने जितने भी नीचे एहलकार हैं उनको डायरेक्शन दें कि किसी ये इसके बारे में कोई बात की जाए, कोई सिलसिला बनाया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए। और नहीं तो ये लोग इंतज़ार में बैठे बैठे कुछ मर गए हैं, कुछ मरने के कगार पर हैं और सिर्फ इंतज़ारी में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर गवर्नर साहब ध्यान दें। दूसरा, हमारे लोग जो पंजाब में गए हुए हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली में, उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाए, उसकी पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो लोग भी अपना हक ले सकें। तीसरी बात, जो हमारी सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो भी तैयार है, हमने गवर्नमेंट को दी हुई है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कोई फैसला ले, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाए, उनका भी कोई पैसा जो है वो रिलीज करवाए ताकि ये भी लोगों को मेरे लेकर बैठें। चौथी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे किसी आदमी की जिसने अपने बसीर बिल डीड पर दूसरे को दे दी और उसको भी पैसा देना चाहिए, उसके लिए हमने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, ये हो नहीं सकता है। और हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब मेरी गहराई में डीपली इसको सोचें, उसके ऊपर ध्यान दें और इन लोगों का भी भला सोचे जो इस किस्म की फाइलें लटकी हुई हैं या गवर्नमेंट के एहलकार जो पास नहीं कर रहे हैं। ये तभी होगा जब ऊपर से इनको डायरेक्शन दें। मेन डिमांड क्या? अभी हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि पैसा बांटने का प्रोसेस जो है तेज किया जाए। नंबर दो, हमारी जो है जो बाहर गए हुए लोग हैं जम्मू कश्मीर से, उनको भी शामिल किया जाए। नंबर तीन, हमारी ये डिमांड है कि जो लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम है, किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों को ही पैसा डाला जाए। चौथी, जैसे बिल डीड के बारे में बताया, उनको ही पैसा दिया जाए। और अगली बार एक और मैं कहना चाहता हूँ, जो हम सब जम्मू कश्मीर के निवासी सहन कर रहे हैं वो क्या है? वो सबसे बड़ी डिमांड है हमारी डॉक्यूमेंटेज। ये गवर्नमेंट का काम था इसी डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना, इन्होंने संभाल कर नहीं रखे, आज हम डर डर हो रहे हैं। स्टेट सब्जेक्ट बनाना हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, हम कहाँ से कागज लाएं? ये गवर्नमेंट को जब तक डॉक्यूमेंटेशन का सुधार नहीं करेगी, जब तक के उसको कंप्यूटराइज में नहीं डालेगी, जब तक उसकी दोबारा अमेंडमेंट नहीं होगी, जब उसका सुधार नहीं होगा, ये कभी बड़ा होने वाले हम तबाह हो जाएंगे हमेशा हमेशा के। हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो अपने आप को रिफ्यूजी का रिफ्यूजी से बदतर समझेगी। तो इन शब्दों के बाद मैं आपको धन्यवाद। चौबीस सीटें।